सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएन ब्लॉग्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ हरकुलिस कंपनी का FX200 टॉप स्पीड साइकिल। गाइस, ये बाइसाइकिल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। होप करता हूँ आपको ये बाइसाइकिल अच्छी लगेगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस बाइसाइकिल की स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। गाइस, इस बाइसाइकिल का नाम है हरकुलिस टॉप स्पीड FX200। आगे ही आपको मिल जाता है हरकुलिस कंपनी का लोगो, उसके नीचे है ये लगा हुआ मड गार्ड। ये देखिए, ये है इसके सस्पेंशन, जिसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, कंपनी से ही ये एडजस्ट होकर आते हैं। इनके ऊपर लिखा है टॉक्स शॉक्स। यहाँ पर प्लास्टिक का आपको मिल जाता है मड गार्ड, जो कि साइकिल को लाइट वेट और ज़्यादा स्पीड गेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पर उसकी साइड बार में लिखा हुआ है हरकुलिस, जो कि कंपनी का नेम। यहाँ पर आपको मिल जाती है पावर ब्रेक के लिए एक सॉकेट, तो उन्होंने इसके ऊपर ये लगाया होता है कवर, ये ख़राब ना हो जाए। व्हील्स का साइज़ है 6x2.35 inches। और आजकल क्या हुआ है, जो से न्यू साइकिल्स आते हैं उनके अंदर साइकिल का जो सा मतलब कि नॉर्मल बेस होता है, जैसे 26-27 inch, तो उसका आपको नंबर मिलता है। जैसे ये 26 इंच है तो यहाँ पर 26 लिखा है, अगर 27 होगा तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। ग्राफिक्स ब्लू और येलो, नियॉन येलो, इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किया हो, वो भी ब्लैक के ऊपर। ये इसके आगे के पैडल्स, ये देखिए हरकुलिस, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर लगे हैं, विदाउट गियर है। यहाँ पर लिखा हुआ है www.trackandtrail.in, ये कंपनी का नाम है, मतलब कि जहाँ से आप साइकिल कंपनी के साइकिल्स विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सॉकेट के ऊपर ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, ताकि जो उनसे होते हैं ना कील, तो उनकी साइड होती है शार्प, तो वो बज भी सकती हैं, तो इन्होंने ये थोड़ा सर्कल में है ताकि बजे ना। यहाँ पर इन्होंने गियर्स के लिए स्पेस बनाई है, बट ये गियर वाला वेरिएंट नहीं है, इस करके इसमें गियर्स इसमें ये सॉकेट खाली छोड़ा हुआ है। पीछे की साइड भी आपको मिल जाता है ये प्लास्टिक का मड गार्ड। ट्यूबलेस टायर आपको साइकिल में नहीं मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर का यह होता है कि वो स्पीड गेन ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाते हैं। और ये इसका जो सा इसका हैंडल बार है ना, ब्रॉड देखो, और वो भी आपको मैट की फिनिश में मिलता है। गाइस, मैट की फिनिश में बहुत कम साइकिल्स का हैंडल बार मिलता है। और देखो कितना क्लीन है, सिर्फ आगे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ये देखिए, ये एलन बोल्ट सिस्टम से ये खुलेंगे। साइकिल के आगे की ब्रेक पैडल्स हैं, जो उनसे ब्रेक वाले हैं, ये आपको स्टील की फिनिश में मिलते हैं। कई साइकिल्स में प्लास्टिक की फिनिश में भी आ जाएंगे, बट वो डिग्रेड और टूट बहुत जल्दी जाते हैं और उनसे ग्लॉसी फिनिश भी नहीं आती। आगे की साइड भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, डिस्क ब्रेक का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक मेन ही हुक वाला जॉइंट लगा हुआ है, जबकि ज़्यादातर साइकिल्स में एलन की वाला जॉइंट आता है। सीट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ये देखिए हरकुलिस की ब्रांडिंग हुई है सीट के ऊपर भी। यहाँ पर इस साइड पे अगर आप देखेंगे, इस साइड भी सेम लिखा हुआ है ज़्यादा कुछ, और यहाँ पर लिखा है डिज़ाइन, यहाँ पर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बताया हुआ है, थोड़ी डेकोरेशन के लिए और वैसे ही थोड़ा अनाउंस करने के पर्पज़ के लिए। टॉप स्पीड की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस साइड पर आपको मिलता है पावर ब्रेक्स का एक मतलब कि फिटिंग, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और पावर ब्रेक्स की भी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको मिलते हैं ये स्टैंड्स, ये देखिए ज़्यादातर साइकिल्स में यहाँ पर स्टैंड आता है, पर वो बहुत जल्दी लूज होता है, तो यहाँ पर उन्होंने लग ही स्टैंड का कॉलम बनाया हुआ है। पैडल्स बहुत लाइट वेट हैं इसके, बहुत ज़्यादा जल्दी ये स्पीड गेन करता है साइकिल, बहुत अच्छा साइकिल है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस इसका आपको पड़ जाएगा 8,500 rupees। बहुत अच्छा साइकिल है, स्पीड गेन बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत कंफर्टेबल साइकिल है। यहाँ पर आपको बॉटल स्टैंड भी मिल जाता है, जो कि ज़्यादातर अगर आप साइकिल लेंगे तो वो फ्री में ही लगा देते हैं। देखिए, ज़्यादातर बॉटल्स, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉटल भी यहाँ पर रख सकते हैं आप। बहुत अच्छा साइकिल है, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने करना क्या, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, वीएन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छी वीडियोज़ डालता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना, आईडी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। थैंक यू।